Assalamualaikum everyone, myself Hamza Ghazi and you are watching Hamza Ghazi YouTube channel. आज हम लोग जनाब बड़े मज़े का प्लान करने वाले हैं और रिहान और अमार गाजी हमारे साथ मौजूद हैं और प्लान कुछ ऐसे है कि आज बड़ा ज़बरदस्त एक मीटअप है जिसमें एक कार हम लोग रिवील करने वाले हैं. वन ऑफ द इट्स ब्यूटी यार, बड़ी प्यारी और एक मज़ेदार एक वाइब है आज आपसे शेयर करेंगे. आज आपको एक छोटा सा सरप्राइज शेयर आपसे करता चलूं कि आज ज़रा बड़े डिफरेंट किस्म की गाड़ियों से आप मिलने वाले हैं और उनकी वाइब आपको पता है कुछ JDM जर्मन. अब चलते हैं, ज़रा मूव ऑन करते हैं, अपनी गाड़ी की तरफ चलते हैं, गाड़ी निकालते हैं. आज हम लोग दोबारा वन सेकेंड मार्केट्स निकाल रहे हैं और फिर ज़रा चलते हैं. ओए, हम लोग पहुंच गए जनाब अपने दोस्त की तरफ. वहाँ जनाब आज हम लोगों का प्लान बेसिकली ऐसे है कि यहाँ से वो रिवील होने वाली गाड़ी हम यहाँ से पिक करेंगे, मीन टू से कि उसको ज्वाइन करेंगे और फिर हमारी एक डेस्टिनेशन है, वहाँ सारे बॉयज़ को इकट्ठा किया है, वहाँ चलेंगे और फिर उसके बाद बाकी लोगों से शेयर करेंगे, प्रॉपर वीडियोज़ आपके साथ शेयर करेंगे. वो इस तरह करके बड़ा मज़े का प्लान है. और रिहान बॉय तो जैसे मैंने आपको बताया हमारे साथ एडअप है. वाह, अच्छा आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैंगरू देखे होंगे मगर इस टाइम हमारे पास एक ये आज हमने जनाब निकाली है अपनी वन एंड ओनली मार्क एक्स यार, क्योंकि आप देख रहे हैं रात बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो सिस्टम कुछ ऐसे है कि आज गाड़ी वॉश करवाने के बावजूद यहाँ पहुँचने तक खलास जनाब काला रंग आपको पता है, फिर काफ़ी ज़रा ऐसा रंग है जिसको मिट्टी से बड़ी मोहब्बत है. कुछ ही देर में वेट ओवर होने वाला है. मुझे कुछ आवाज आ रही है कुछ स्पोर्ट्स गाड़ी की यार. माशाल्लाह यार. बिलावल भाई की ये कह लें कि वन ऑफ इट्स काइंड, बड़ी प्यारी ब्यूटी यार हमें लगी है. और क्या बताऊँ कि मुझे काफ़ी दिनों से वेट था. मैंने पूछा यार, मैंने कहा बिलावल कब तक का प्लान है, ही सेड बस थोड़ा और वेट यार. एनीवे इसको जाके अभी लोकेशन पे चलते हैं, वहाँ जाके प्रॉपर सा प्यारा सा प्लान करते हैं, देन आपको इसका पूरा रिव्यू देता हूँ. नजरे बद से बचाए मेरे भाई की गाड़ी को यार. रीजन ये है ना कि जाहिर बात है लोग देखते हैं मगर वो माशाल्लाह नहीं कहते. मेरे साथ बड़ा एक दफा एक्सपीरियंस हो चुका है और रेहान साहब हमारे साथ मौजूद है. यान सब कैसी लगी बेटी? मजा आया ना? अपनी लोकेशन डेस्टिनेशन लोकेशन की तरफ हम लोग आ गए हैं और कुछ बॉयज आगे भी वेट कर रहे हैं. अभी जरा लिमिटेड लोग हैं तो जरा चलते हैं जाके देख. अच्छा गाड़ी की लुक्स तो आपसे मैंने शेयर किए हैं, आप सब गाड़ी के अंदर का ज़रा आपको गेड़ा चेक करवाते हैं. इस टाइम गाड़ी का ये आप डोर ओपन करें
डोर के बाद एक जो फील आती है, मैं कहता हूँ यू लुक कार्बन फाइबर स्टीयरिंग, और इसका जो ये डैश है ना यार, इसकी लुक बड़ी प्यारी है, क्योंकि ये ऑल ओवर आप कार्बन फाइबर देख रहे हैं डोर्स। ये बड़ा एक मजे का काम है, ये एक मल्टी शेड सा एक फील दे रहा है, पर्पलिश ब्लैक और ना रियली नाइस यार। मीटर भी क्लस्टर भी इसका जरा डिफरेंस है, और इन्होंने कह लें कि ये जो गियर नॉब्स और ये ईच एंड एवरीथिंग कार्बन फाइबर किया हुआ है। अच्छा यार, एक बड़ी इंटायरली डिफरेंट फील है। आप जब कह लें कि एक 350 में बैठती है एवर फेवरेट यार, मगर दिस मशीन इज लिटिल बिट डिफरेंट। काफी इन्होंने अंदर कह लें कि कार्बन फाइबर वर्क किया हुआ है। ये जो डैशबोर्ड का इन्होंने किया हुआ है ना, ये बड़ा जबरदस्त सा किया हुआ है। Now wait is over. अब जनाब साहब जरा गाड़ी की राइड लेने चल रहे हैं। मैंने कहा जरा राइड चेक करते हैं, ऑनर से थोड़े सी जरा गप्पे शप्पे करते हैं। जनाब वेलकम। जनाब बिलावल भाई हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं वंस अगेन, और अब हम लोग बिलावल भाई की जी के अंदर बैठ चुके हैं। और जो जैसे कि अभी आपके मैंने अंदर से हल्का सा गेड़ा करवाया, गाड़ी अंदर से जनाब मैं कहता हूँ आउट ऑफ दी बॉक्स, अब थोड़ी सी जरा ट्राइज की करते हैं, एंजॉय थोड़ा करते हैं, आपको अपनी फील ऑफ रिव्यू बताते हैं। अच्छा एग्जॉस्ट और स्टार्टिंग कौन सा है ये बोल ला? नहीं ये बड़ी रेसिंग है। बड़ी रेस का जनाब, बड़ी रेसिंग है, पीछे मेगन के हेडर्स है, मेगन के ही वाई पाइप है, और थ्रू आउट ये सिस्टम है, प्रॉपर सिस्टम है। अच्छा। कोई चीज स्टेनलेस स्टील, लोकल फैब्रिकेशन, कुछ भी नहीं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा स्पोर्ट्स कार की बिलावल भाई एक फील हमेशा से अलग होती है। बिल्कुल, मतलब इसकी सीट्स और इसका जो फील है ना डिफरेंट है यार। ओए ओए यार, अचानक मुझे वो सुनील मान जी याद आ गया, उसकी वीडियोस याद आ गई। मैं कह यार वो बंदा डरता सही है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली कैमरा फेस करते वाले एकदम रोड मिले गाड़ी का, और बंदा कहे वो कितने जा रहे हैं यार मैं। अच्छा बिलावल भाई इस टाइम की कॉइल ओवर्स पे है? हाँ, फोर वे कॉइल ओवर्स। असल में उसके बगैर तो ये स्टेबल हो ही नहीं सकता। स्टिफनेस इसमें नहीं आएगी तो ये स्टेबल नहीं हो सकता। अच्छा स्लिक्स आपने गाड़ी में डाले हुए हैं, तो रोड ग्रिप तो मैं कहता हूँ अनिवा होगी सर, मजेदार। मतलब वो सीन नहीं है कि टर्न लेते हुए आप डरे नहीं नहीं, टर्न करते हुए तो मैं कहता हूँ पॉसिबल ही नहीं है कि किसी तरीके से जनाब गाड़ी स्लिक्स के ऊपर निकले। अच्छा बिलावल भाई गाड़ी में देख रहा था, गाड़ी डाउन भी काफी है, तो आपको तो बड़ा देखभाल के चलना पड़ता होगा, जाहिर बात है। जनाब गली मोहल्ले का एक खड्डा याद होता था किधर जनाब बम्प आ रहा है, और बंदा बड़ा फोकस रहता था। सब मेरा बवाल है। स्पीड ब्रेकर देखे ना तो मुझे ऐसे लगता है कि बस, असल में वो कार ब्रेकर्स है बेसिकली मेरे लिए, तो स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, ये भी है, ये वो भी है कार ब्रेकर्स। तो कार ब्रेकर सर में डर लगता। बिलावल भाई के पास ना इस गाड़ी से पहले बेसिकली कह लें कि ईवो थी। ओए होए होए, आपने वो देखा? ओए बड़ी यार बिलावल भाई से सुन के ना मैं इंस्पिरेशन रही कि यार इन्होंने पूरी वो कह लें कि 0-100 खुद बिल्ड की, और गाड़ी बड़े मजे की थी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब कह लें कि मेरी बिलावल भाई से मुलाकात हुई तो गाड़ी कराची चले गई थी ना। बिल्कुल, तो वो उसको जरा डिटेल उस हिसाब से हम देख नहीं सके, मगर काफी पिक्चर्स में मेरे पास मौजूद है। तो यार मैं कहता हूँ वो भी एक क्रेजी पार्ट था, बड़ा पेशेंस चाहिए यार इस काम के लिए। बहुत पेशेंस। अगर आपको अपनी मर्जी की चीज चाहिए ना तो सर उसके लिए सबसे पहले पेशेंस ही चाहिए। हाँ यार, वो जाहिर है ना कि जब आप वो चीज से पूरी तरह लगाव नहीं कर सकते ना, आप प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर भी नहीं सकते। बिल्कुल, तो ये बात से बचाए। और यार जितने भी देख रहे हैं भाई माशाल्लाह भी साथ बोल दो, और कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे आपको ये गाड़ी कैसी लगी और क्या इसका रिव्यू है जनाब, और कैसा लगा आपको। एनीवे बॉयज इधर आ गए हैं, बिलावल भाई यहाँ खड़े होते हैं, जरा इनसे मुलाकात करते हैं।
यार आई है, मैंने आते हुए एक शॉट तो लिए और आपके सामने वन एंड ओनली जनाब निसान GTR। जनाब बड़ी प्यारी ये निसान GTR रेड कलर में लग रही है और ये S3000 होंडा की, मैं कहता हूँ एक वाइब बड़ी प्यारी सी आ रही है यार। GTR के साथ जनाब हमारे साथ इस टाइम इधर BMW खड़ी हुई है, एक बड़ी ज़बरदस्त सी एक लुक दे रही है। आए आपको एक ज़रा एक आइकॉनिक चीज़ S2000 होंडा दिखाता हूँ आपको। एक कन्वर्टेबल गाड़ी है बड़ी प्यारी, ऊपर जनाब सब कह लें सिनेमैटिक हुआ हुआ है और स्लिक्स डले हुए हैं, इसमें एक वाइब इसकी अलग है यार। अच्छा कन्वर्टेबल का फील डिफरेंट है और इसको लेने वाला ना असल में एक अलग ही विजन उसका होता है। दूसरा ये JDM, आपको पता है JDM की जो वाइब है ना, ठीक है जर्मन वेरी नाइस, मगर एक JDM अपना एक मुकाम रखती है जनाब। मजे की चीजें आपसे शेयर करते हैं जनाब, हमारे आगे एक ईवो खड़ी हुई है, उसके बाद एक RX-7 जनाब फुली लोडेड और वन एंड ओनली निसान GTR, वन ऑफ फेमस यार, बड़ी मजेदार ये GTR है। इसको तो जनाब देख के कहते हैं तबीयत खुश होने वाली तबीयत है, इसके रिम से ही आप अंदाजा लगाए। मैं तो जब ये देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार माशाल्लाह माशाल्लाह जरूर बोला करें यार, बड़ी प्यारी कूल वाइब दे रही है जो हमें इस टाइम RX-7। आज तो मीटअप पे अनएक्सपेक्टेड यार, मैं क्या बताऊं कैसी जबरदस्त चीजें देखने को मिली हैं। होप सो आपको भी ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लाहौर वाइब्स मिलती रहें। सो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।